खबर रीवा जिले से है, जहां आपदा प्रबंधन की टीम के द्वारा एक डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन की मौजूदगी में होमगार्ड के जवानों की टीम के द्वारा किसी भी संकट से निपटने के लिए अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया। पानी में डूबने, आग लगने सहित अन्य संकटों पर टीम कैसे कार्य कर सकती है और कैसे लोगों को त्वरित लाभ मिल सकता है, इसका प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि आपदा प्रबंधन के लिए जिले के गोताखोर कुशल तैराक मछुआरों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें संकट के समय ऐसे व्यक्तियों का भी सहयोग लिया जाएगा। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की झलकियां और सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर मनोज पुष्प ने पूरे कार्यक्रम के संबंध में क्या जानकारी दी है। एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया था ताकि जो हमारे लोग हैं उनकी तत्परता कितनी है, वो कितना स्किलफुल है, जो हमारे पास संसाधन है वो सही स्थिति में है कि नहीं, किन संसाधनों की आवश्यकता है और जो संसाधन है उसको कैसे बेहतर उपयोग किया जा सके, इसका एक डेमोन्स्ट्रेटिव सेशन रखा गया था। हम लोग इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के भी ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो स्किलफुल हों और जिनको आपदा के समय हम आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवाएं ले सकें, उसके लिए एक डेटाबेस बनाने का भी हमने निर्देश दिया है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़िले के विभिन्न इलाकों में जो ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए मदद के लिए उपयोगी हो सकते हैं ऐसे अवसरों पर, उनका एक डेटाबेस बनाए और आपदा के लिए हम अपनी टीम को हमेशा तैयार रखें। लगा रहे हैं।